स्टॉप द कार मिस्टर खान। मिस सेन, क्या हुआ? सीट बेल्ट, लेट मी हेल्प यू। इट्स नॉट द सीट बेल्ट मिस्टर खान। मैं कंपोज होकर सीट बेल्ट तक नहीं लगा पा रही हूँ। मैं पार्टी में काम एंड कंपोज रहना इज नॉट माय कप ऑफ टी मिस्टर खान। इट्स जस्ट दैट मिस्टर खान, आई डोंट थिंक आई कैन डू ऑल ऑफ दिस। आई कांट हैंडल ऑल दिस। मिस सेन, काम डाउन, रिलैक्स। आई नो कि यू डोंट बिलोंग हियर, बट यू नो दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम, और मैं हूं ना यहाँ पे। एंड यू नो मिस सेन, आई फील दैट कि आई एम रियली वेरी लकी, आप जैसी इतनी प्रिटी लड़की मेरे साथ में। एग्जैक्टली मिस्टर खान, लोग मुझे देखते ही मुझ पर लेबल चिपका देंगे कि मैं आज़र खान की गर्लफ्रेंड हूँ। Then how gonna try to get to know me? मुझे बिना जाने दे gonna judge me, Mr. Khan? It's all gonna go so bad. मिस सेन, आपको कोई जज नहीं करेगा। In fact, they'll judge me. कि मुझ जैसे एक डम एक्टर के साथ में इतनी प्रिटी, इतनी इंटेलेक्चुअल, मतलब कैसे आ गई? मिस सेन, यू लुक अमेजिंग, ओके? एंड और कौन कहता है कि आपको इस वर्ल्ड की नॉलेज नहीं है? अगर नहीं होती तो फिर आप इतनी प्रिटी ड्रेस और ये इतने अच्छे फुटवेयर इनको टाइम और मनी कैसे देती? टाइम यस, बट मनी नो। ब्रांड तो बड़ा है मिस्टर खान, लेकिन ड्रेस फेक है। रियली? बट सी, आप इतना ब्रांड कॉन्शियस होते हुए भी नहीं पहचान पाए ये एक फर्स्ट कॉपी है। द ड्रेस इज नॉट ओरिजिनल। मिस्टर खान, आपके ऊपर फर्स्ट कॉपी भी ओरिजिनल लगता है। यू नो व्हाई? बिकॉज जिया सेन इज 100% ओरिजिनल, 0% फेक। दैट्स व्हाई आई लाइक यू सो मच। सो अब चलें? I've just arrived. Well, देखिए कौन है हमारे साथ अजहर खान कपूर की पार्टी पे। I wish this gorgeous date. Jia said. So, any expectations from the party? जिया को समझ नहीं आ रहा था कि कब और कैसे उसकी इंटरव्यूअर की पोजीशन इंटरव्यू गिवर में बदल गई। But she was trying hard to cope up. She was entering the world of glitter. पर बहुत जल्द वो realize करने वाली थी that all that glitters is not gold. What are you wearing, Jia? She's wearing AR. That's my personal favorite. So, ये expensive dress Azhar ने आपको gift करी है? Oh, come on. You know, gift? अगर मैं उनको greeting card भी gift करूँगा तो वो भी नहीं लेगी. Yes, truly. मैं और Jia एक ही office में काम करते हैं. But Jia, you are a damn lucky girl. पूरी दुनिया आज आपके कदमों में है. Way to go, girl. Well, please enjoy yourself. You guys look beautiful, and thank you so much, Azhar and Jia, for your lovely time. Thank you so much. Please have a great time. किसी को पता था जो मेरी तरह interviews लेती थी, आज खुद celebrity बनकर interview देगी. Well, Jia definitely made a big switch. रातों रात, she's here. Well, that leaves us women with hope. साहिल. साहिल, ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? ये क्या सीक्रेट है? इट्स अ सरप्राइज बेसिकली. ओके, वेल
What kind of surprise? इस टाइप का इट्स अ काइंड ऑफ सरप्राइज. इस सरप्राइज से शायद तुम्हें तुम्हारे नेक्स्ट रियलिटी शो के लिए कोई आइडिया मिल जाए. रियली? या सीरियसली? या दैट्स रियली थॉटफुल. सो तुम मुझे अपनी तरह बना रही हो ईशा जैसे. एंड मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जॉब डेडलाइन के पास दिन पहले. वेट, तुम मेरे लास्ट दिन गिन रहे हो? लास्ट तुम्हारे जॉब का नहीं, नई बिगनिंग का फर्स्ट डे. न्यू बिगनिंग? या न्यू बिगनिंग जिसे तुम लास्ट डे कह रही हो वो तुम्हारी जीत का फर्स्ट डे भी तो होगा. इतना बिलीव है तुम्हें मुझ पे? बिलीव एक्चुअली तुमने मुझ पर किया है. माय सिंगिंग एबिलिटी, दैट्स व्हाई आई गॉट दिस शो. मैं बहुत दिनों से ये बात करने की कोशिश कर रहा था बट कभी मौका नहीं मिला. आई थिंक राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम. सो यस, आई नो जिस ढंग से मेरी एंट्री हुई है वो जानने के बाद मैं काफी अपसेट था, बट नाउ आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. जो भी कुछ तुमने मेरे लिए किया है वो तुम्हारे लिए कितना टफ था. तुमने अपने जॉब स्टेक पर डालकर मुझे एक चांस दिया. ओके, फर्स्ट चांस, बट अब तो तुम यूसी को जानते हो, राइट? तुम यहाँ अपनी टैलेंट की वजह से. तुम्हें जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है. यस, मेरे लिए मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है, बट मैं इतना भी डम नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी सारी मेहनत को इग्नोर कर दूँ. जो भी कुछ तुमने किया है मुझ जैसे टैलेंट्स को मौका देने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए, दैट मींस अ लॉट. आई एम वेरी लकी कि मैं तुम्हारे इस बड़े प्लान का पार्ट था. आई एम रियली हैप्पी कि एटलीस्ट हमारे बीच की ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो दूर है. Jia always had a problem with being fake, but आज उसे being real versus fake के बीच एक perfect balance strike करना पड़ रहा था. वो smile तो कर रही थी, but वो smile fake थी. Hey, nice dress. मैं तो देखते ही पहचान लेती हूँ कि branded और duplicate का difference. And your dress, just to die for. वो सिर्फ ब्रांड का नाम सुनकर ड्रेस की इतनी तारीफ करेंगे ना, तुम्हें लगेगा वो खुद ब्रांड एम्बेसडर है. They'll just be like, wow, high brands की क्वालिटी क्या होती है. And I think ये ड्रेस शोस्टॉपर की थी ना, लास्ट वीक मिलान में. 3,000 की ड्रेस को 3,00,000 का बोलेंगे. Must be 3 lakhs ना? Yeah, sure. Latest तो ये है कि मिस्टर कुमार की नई फिल्म हॉल्ट पर है. I know. एक तो बजट का प्रॉब्लम, ऊपर से कुमार सर ने फरजाना को हीरोइन लेने से मना कर दिया. क्यों? ऑफ कोर्स यार, सबको पता है, क्योंकि फरजाना ने कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया. इस इंडस्ट्री में मिस्टर कुमार से पंगा कौन लेता है? अजहर खान की नई आम कैंडी को देखा? यस सी, दिस न्यू फ्लेवर ऑफ द मंथ. यू नो व्हाट, शी लुक्स लाइक अ मैन ईटर. तो अजहर खान कौन सा कम है, इंडस्ट्री में उसे ऐसे ही चार्मर, लेडीज मैन नहीं बुलाते ना. ए ग्रेट कैसनो, बट हु थॉट कि वो किसी मिस नोबडी को इतना एंटरटेन करे. कौन किसे एंटरटेन कर रहा है ये बताना थोड़ा मुश्किल है. How are you? I'm good. How are you? I'm good. You are a good actor. इसीलिए जब तुमने प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग की मैंने सच मान लिया. Bloody? Leave Saisha before I forget my manners. Hello.
Hey, hi. Couldn't recognize you at all. Really? Hi, you know, कौन कहेगा कि मुंबई मसाला की एडिटर इन चीफ कैन ऑल्सो लुक लाइक अ पेज थ्री मॉडल. Well, now you've seen it. Hi. Well, I must say that you look spectacular in this white tuxedo. White really suits you. Thank you so much. And as I mentioned before, you're looking stunning in black. Thank you. So, do you want to have a drink? Hi. I would love to, you know, but I have to go right now. So, I'll catch you later. Enjoy the party. गुरु मैं कब से सिर्फ एक वर्ड सुन रही हूँ यार. नहीं नहीं नहीं, मुझे एक सॉलिड रीजन दे. व्हाई कांट यू स्टे विद अस? तू हमारे साथ क्यों नहीं रह सकता है? अच्छा ये बता, इसी घर को ढूंढने में किसने मदद की थी? तूने. और अब जब मेरी बारी है तुझे मदद करने की, तू मना कर रहा है? क्यों? आपके क्यों की वजह आप खुद हो रही थी जी. आपको क्या लगता है, हर सपोर्ट कर जब मैं आपका चेहरा देखूंगा, क्या मुझे आपसे और प्यार नहीं होगा? आपकी ये जो बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, इनमें झांकता रहूंगा बिना बल के चपकाए. अगर मैं आपकी इन गहरी आंखों में डूब गया ना, तो फिर आपको पप्पी से छप्पी देने से ना अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा. सच्ची वाला प्रॉमिस जी. ओए, तू फिर से म्यूट मोड पे चला गया. बोल ना, क्यों? व्हाई? क्योंकि रिद्धि जी टॉप लेवल का बखेड़ा खड़ा होने जा रहा है. रिद्धि जी इतनी प्रेम करके भी सिटी बिट निकल जाती है. रिद्धि जी मैं तो इंसान हूं. रिद्धि जी तो रिद्धि जी आपकी ना हेल्प के लिए थैंक यू जी, शुक्रिया जी, लेकिन बस आप ना गुरुवर्धन सिंह कंट्रोला को माफ कर दीजिए. साइशा एंड अजहर खान प्री यूनाइटेड पार्टी. बिग न्यूज इज़न्ट इट? यू लुक than I expected. Thanks. So, enjoying the party? Yeah. Good. तुम यहाँ पार्टी एंजॉय करने के लिए आई हो या इसको? और आप यहाँ मेरा इंटरव्यू लेने आई हो डायन? What? I'm sorry. हाँ मैं यहाँ स्कूप्स कलेक्ट करने आई हूँ मैम. मिला? Yes ma'am. The actress Farzana. उसकी जो लेटेस्ट मूवी रिलीज होने वाली थी वो प्रोजेक्ट अभी होल्ड पर है क्योंकि उसने कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया. कॉम्प्रोमाइज किसके साथ? फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ. दैट इंडीड इज अ बिग न्यूज़. साशा एंड अजहर एक साथ कपूर्स की पार्टी में. तो दोनों पेपर में डाल देना. यस मैम. ये एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल लग रहे हैं. आई होप तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अब अजहर खान और तुम चल नहीं? हाँ आई विल, बट पहले आप बताइए आपकी नेक्स्ट मूवी कब रिलीज होने वाली. इसका मतलब लोग जो बातें कर रहे हैं वो सही है. तुम एक ऑर्डिनरी रिपोर्टर हो. आपको समझ में आ गया कि जो लोग बातें करते हैं वो हमेशा रूमर्स नहीं होते. Yep, I'm a reporter with मुंबई मसाला and yes, I am an ordinary reporter. वाह, impressive. पीएचडी रिपोर्टर होने पर तुम अपने आप पर बहुत प्राउड फील करती हो, है ना? I meant I'm proud, but जर्नलिस्ट होने पर. पेज थ्री रिपोर्टर्स आर हार्डली जर्नलिस्ट. रिपोर्टर टू जर्नलिस्ट की जर्नी इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, हर प्रोफेशन में होता है. तुम जिस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहती उस इंडस्ट्री में हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है.
जिस ग्लैमर की दुनिया को तुम बाहर से देखकर स्टोरी स्पिन करती, वो इंडस्ट्री बाहर से जैसी दिखाई देती है वैसी अंदर से बिल्कुल नहीं। सो बी केयरफुल, कहीं तुम यहाँ गुम ना हो जाओ मिस ऑर्डिनरी। आप कहना क्या चाहती? बाहर से देखोगी तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग सफेद घोड़े पर आकर तुम्हें सेव करेगा, लेकिन नजदीक से देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि वो सफेद घोड़ा नहीं काला घोड़ा है। वो तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग नहीं। जिया डार्लिंग, इस वक्त तुम्हारे प्रिंस का नाम है अजहर खान, जिसकी दुनिया में लड़कियों की कोई कमी नहीं। इसलिए बी केयरफुल, ये ग्लिट्स और ग्लैमर की दुनिया तुमसे तुम्हारी दुनिया कब छीन ले तुम्हें पता भी नहीं चले। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Water, please. Hussain, आप कहाँ गायब हो गई थी? गायब तो आप हुए थे मिस्टर खान, उनको उन फैंस के बीच। हुसैन, मैं आपको कुछ लोगों से मिलाना चाहता हूँ। कब? हाय, हम तरुण, नाम तो सुना होगा। तुम जिया हो ना? जिया सैन, मुंबई मसाला की रिपोर्टर, राइट? वैसे तुम जैसी लड़कियां मुंबई आते इतनी फास्ट तरक्की कर लेती हैं कि देखकर अच्छा लगता है। एक्सक्यूज मी, तुम जैसी लड़कियां मतलब? मतलब कि तुम्हें लगता है कि टॉप पर पहुंचने के लिए हजर खान जैसे लोगों का सहारा लेना जरूरी है? तुम जैसे लड़कों को अपनी मेंटालिटी चेंज करना बहुत जरूरी है। लाइफ सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो मुंह मोड़ कर जा रही हूँ। तुम जैसे जोक्स के मुंह नहीं लगना चाहते इस तो किसके मुंह लगना? सिर्फ अजहर खान के? क्यों? क्योंकि आज की डेट में बॉलीवुड का टॉप स्टार। एक साल रुक जाओ बेबी, I'm gonna be a star too। तब तो तुम ये कह सकती हो ना कि तुम तरुण के मुंह लगी थी। How dare you, you bloody... तुम जैसी प्रिटी लड़कियां सिर्फ हजर खान जैसे लोगों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। और तुम्हारी औकात क्या है? बेडरूम से बाहर निकलते ही तुम्हारी औकात खत्म हो जाती है। सो स्टॉप डूइंग ये शराफत का ढोंग।